हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। मैं अभी पणजी में हूँ, तो पणजी में ही मैंने स्कूटी उठाया था। खैर, बहुत सारे फिल्म में आप पणजी का नाम बहुत सुना होगा। पणजी जो है वो कैपिटल है गोवा का। पणजी में एक फाउंटेन हैश करके एक जगह है, एक स्ट्रीट कहते हैं इसको। कलरफुल घर मिलेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारा। अभी फिलहाल ये टेम्पल पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक टेम्पल है, वो हनुमान जी का टेम्पल है। मैंने पता किया तो बोले कि 9 से लेकर 12 बजे तक टेम्पल खुला रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर से व्यू देखता हूँ कि ऊपर से व्यू कैसा आ रहा है। जैसा आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आपको स्ट्रीट घुमाता हूँ। सो बी कंटिन्यू वीडियो, चलो। मैं क्या सोच रहा हूँ, स्कूटी निकालता हूँ, स्कूटी से हिराड़ मारता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट बहुत बड़ा है। अगर घूमने निकलूँगा ना पैदल, धूप में हालत ख़राब हो जाएगी और सामान भी है साथ में, तो मैं स्कूटी से घूमूंगा। वो जहाँ पर अच्छा मेंटेन्ड घर अगर दिखे पूरा अच्छे से, पेंटिंग वेंटिंग हुआ है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते। वैसे फ़ोटोज़ अच्छे से फ़ोटोज़ ही डाले हुए हैं नेट पे। ऐसा नहीं डाला गया कि हाँ यहाँ पर इसका मेंटेनेंस ख़राब है ऐसा वैसा। आप फ़ोटो पे मत जाना कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो वैसे ही होगा, लेकिन आप आने के बाद थोड़ा आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा वैसा वैसा घर जहाँ पर आपके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ जाए। ये था आर्ट, किसी तरीके की मिट्टी है थी वो। आप भी जाकर वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो और बना सकते हो कुछ, अगर बनाना चाहे तो। अपना हुनर है तो आप अपना हुनर दिखा सकते हो वहाँ पर। अगर नहीं भी हो तो भी दिखा सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो कुछ अच्छा करने की। तो अगर आप अच्छा करोगे तो वहाँ पे लग जाएगा आपका। तो खैर, स्ट्रीट अच्छा है। जैसे यहाँ पर देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये घर कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत शांति है स्ट्रीट में। अभी थोड़ा धूप है, अगर शाम में आते हो तो और अच्छा लगेगा। चलो अभी बाइक लेके आता हूँ, तो आगे चलते हैं। अभी ये पेड़ देखो कितना सही लग रहा है, शूट कर रहा है पूरा इसको घर पे। यहाँ पर पोर्चुगीज लोग रहते हैं और उन्हीं लोग का घर है। पोर्चुगीज का पूरा मोहल्ला है ये, और उनको पुर्तगीज भी बोला जाता है। इस लेन में भी पूरा लाइन से कलरफुल घर दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा जो घर है वो थोड़ा मेंटेन है। अगर पणजी से होके जा रहे हो तो ये स्ट्रीट होके जाना अच्छा है, आपको आपके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ जाएंगे यहाँ पर। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए आपको कुछ पैसा चार्ज करना है या फिर कुछ पार्किंग फीस देना है। बस जगह देख के बाइक पार्क करना, जो भी कार बाइक जो भी लेके आ रहे हो। मैं आ गया हूँ वापस स्टेशन पे, अब जा रहा हूँ वापस पुणे। ऐसा कुछ मेरा हाल हो गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीधे पुणे में जाके मिलता हूँ। थोड़ा थक गया हूँ, ट्रेन भी आने वाली है, आने आने आते आते मैं थोड़ा लेट हो गया है। डायरेक्ट पुणे में जाके बात करता हूँ। मैं पुणे वापस आ गया हूँ गोवा से। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि एक हफ्ता तो कम से कम निकाल के जाओ, 6-7 दिन कम से कम वहाँ पर स्टे करो,
और अच्छे से एक्सप्लोर करो। स्कूटी ले लो रेंट पे, जहाँ से स्टेशन पे उतरते हो ना वहीं से स्कूटी उठा लो और वहाँ से ही पूरा घूम जाओ अच्छे से। और परमानेंट लाइसेंस रखना अपने पास, परमानेंट लाइसेंस के बिना गाड़ी वाले गाड़ी नहीं देते हैं, तो लाइसेंस रखना ज़रूरी है अपने पास। और हेलमेट वगैरह वो सब प्रोवाइड करेंगे। और गाड़ी का वीडियो बना लेना और येलो नंबर प्लेट वाली गाड़ी देना। रेंटल बाइक होती है भाई उठाना, ऐसा नहीं कि जो लोकल जिससे चलते हैं वो गाड़ी में उठाना। आप कम बजट में भी घूम सकते हो, स्कूटी उठाओगे तो ज़्यादा एवरेज ज़्यादा माइलेज मिलेगा गाड़ी का। दो तीन बीचेस थे जो रात में बहुत अच्छा खूबसूरत दिखते हैं, वो सब मुझे कवर करना था लेकिन वो मिस हो गया। खैर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा अगर जाता हूँ गोवा तो। तो खैर मेरे सारे वीडियो जो गोवा के हैं ना, अगर आपने नहीं देखा है तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे सारे, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। तो खैर ठीक है कि वीडियो में हम यही रुकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक लिवा हुआ है, टेक केयर।